नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सीलिंग फैन को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके इसको बताऊंगा पार्ट वाइज कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप फैन को बाहर निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो शाफ्ट है इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं, ये जो हम स्क्रू लगा रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बारह द्वारा निकाल के बाहर कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रू है, ये शाफ्ट को जब आप लगा देते हैं तो उसके बाद शाफ्ट को ये कभी भी हिलेगी नहीं और प्रॉपर फिट बैठी रहेगी और आपका जो इसमें नट लगता है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वो नट क्या होता है, कई बार ये हिलती रहती है ऐसे शाफ्ट। तो जब हम इसको पेज को लगा देंगे इस स्क्रू को, तो ये रॉड जो है ऐसे इसमें प्ले ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसको नट लगाएंगे दोनों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस नट को ही इधर लगाना है। तो जब ये आप नट लगा लेते हो, उसके बाद क्या करना है आपको, इसका ध्यान एक जरूर रखना है, इसमें वाशल्स जो है वो जरूर डालनी है, रिंग वाशल, और क्योंकि रिंग वाशल इसमें बहुत काम करती है, वो भी नट को स्लिप नहीं होने देती है और नट जो है प्रॉपर फिट रहता है। तो इसलिए रिंग वाशल का इसमें बहुत काम रहता है, रिंग वाशल जरूर लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब हम इस नट को लगा लेते हैं, उसके बाद जो छोटा नट है इसका आपको ध्यान रखना है कि ये जो नट है ये जरूर लगाना है। इसके लिए इन्होंने जो जगह बनाई है बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये आप छोटा नट देख रहे हैं जो हम लगा रहे हैं, इससे जो प्रॉपर टाइट इसकी हो जाएगी, ये जो पाइप है बिल्कुल प्रॉपर फिट बैठेगी और ये इस वाले नट को कभी भी लूज नहीं होने देगी और ना ही पाइप लूज होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने देख लिया क्या करना है, इस पाइप को फिट करना है। उसके बाद आप एक वायर का पीस ले लीजिए जो जितना नीचे रॉड से लेकर ऊपर कनेक्शन तक हो जाए आपका। तो यहाँ से इस होल से आपको अंदर डालना है और ये ऊपर आके निकल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे कनेक्शन करने हैं। तो फ्रेंड्स, कनेक्शन हमें कहाँ करने हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये नए फैन को ये एक नीचे स्ट्रिप लगी होती है, कनेक्शन स्ट्रिप, ये जो देख रहे हैं आप, ये नीचे कनेक्शन स्ट्रिप है। तो एक साइड तो इसके जो मोटर के वायर्स लगी होती हैं, तीन पॉइंट होते हैं इसके, ये देखिए एक दो तीन, और इसमें ये तीनों वायर लगी हुई हैं। लेकिन दूसरी साइड क्या होता है, इसके दो ही पॉइंट हैं इसके बिल्कुल फ्रंट साइड में, ये वाले जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये और ये दोनों इस साइड से वायरें लगेंगी। और ये जो है, ये हमें कौन सी वायर लगानी है, जो हमने ऊपर से डाली है इसको, और ये जहाँ से निकलेगी दो तारें हैं इसकी, आपने ऐसे इधर फिक्स कर देनी है। तो एक ऊपर वाले पॉइंट पे, एक नीचे वाले पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, हमें दूसरी वायर को, एक वायर हमारी ये लग चुकी है और दूसरी हमें इसके नीचे वाले पॉइंट पे लगा देनी है। तो हमारे जो कनेक्शन ये हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको इसके ब्लेड लगाने हैं, कप लगाने हैं और फिर इसको हैंग करना है। दोस्तों, अगर जब भी आप इंस्टॉल करते हैं फ़ैन, तो आप देख लीजिए इसको प्रॉपर तरीके से। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी को भी पंखा लगाना आ जाएगा, आप खुद सीलिंग फ़ैन खुद ही लगा सकते हो, आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, अब देखो इसको आपने क्या करना है, इसको कप डाल देने हैं ऊपर से। और कप आप जब भी लगाते हैं इसको देख लीजिए, जो उल्टा होगा वो नीचे इसकी, ये देख लीजिए जो लिखा होता है, उषा लिखा हुआ है, ऐसे पड़ा जाना चाहिए। और जब ऊपर वाला लगाओगे तो ये ऐसे आएगा उल्टा, तो ये तब ठीक पड़ा जाएगा।
तो फ्रेंड्स कनेक्शन हो गए, इसको ये इसका कवर है कप ये भी लग चुके हैं। अब इसको ब्लेड लगाने की बारी है, तो ब्लेड को आप देख लीजिए उल्टा सीधा ये कैसे होता है। ये आपको ऐसे लगाना है इसको। कई बार क्या होता है कि हम जब फैन लगाते हैं तो जो जिसको नई नॉलेज है वो इसको उल्टा फिट कर देता है, तो वो फिर हवा ही नहीं देता फैन। तो इसलिए इसको आपको ये देख लेना है, इसको सीधा प्रॉपर फिट करना है। दोस्तों इसको तीन ब्लेड लगते हैं बस, और इसको आपको बस कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके नट खोल के ब्लेड को रख के ऊपर से कस देना है। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्लेड आप लगा रहे हैं ये बिल्कुल टाइट, इसके स्क्रू टाइट अच्छी तरह होने चाहिए, नहीं तो जब ये फैन चलता है तो इसमें फिर ब्लेड ढीला होने की वजह से फैन को बबलिंग होती है और फैन आपका हिलता रहता है और वो काम नहीं सही करता। तो दो इसके ब्लेड लग चुके हैं, अब हम तीसरा ब्लेड इसको लगाने जा रहे हैं। दोस्तों ये उषा कंपनी का फैन है, अच्छी क्वालिटी का फैन है। इसकी जो ये ब्लेड का साइज है ये 1200 mm का है, और जो मोटर लगी हुई है इसमें ये 74 वाट की है। दोस्तों इसकी स्पीड जो है RPM जिसको कहते हैं वो 350 के करीब है, और अच्छी स्पीड है इसकी। और कलर भी इसका देख लीजिए, ये रिच वाइट में है। तो दोस्तों ये अब हमारा फैन जो है वो फिट हो चुका है, तो अब हम इसको ऊपर हैंग कर लेते हैं सीलिंग में, छत पर इसको लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्रॉपर फिट हो चुका है, अब हमें इसको ऊपर हैंग करना है। फ्रेंड ब्लेड फिट करने के बाद आप देख लीजिए इसको, ये दो होल तीन होल हैं इसको टोटल पाइप को ऊपर, एक तो बिल्कुल आमने सामने होगा और एक उनसे थोड़ा सा नीचे होगा। तो जो नीचे वाला है हमें क्या करना है, ये जो ऊपर से वायर है इसको टर्न करके वापस यहाँ से बाहर निकालना है। ये देखिए ये यहाँ से बाहर आ जाएगी। इसको हम पहले क्यों नहीं निकालते, क्योंकि इसको कप को लगाना पड़ता है, तो ये इसमें फिर अड़चन आती है, इसलिए हमें इसको कप लगाने के बाद ही यहाँ से निकालना है। बस अब हमें सिर्फ इसको हैंग करना है, तो उसके बाद पंखा चला के देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है क्लंप लगाने की, तो हम इसको कैसे लगाते हैं ये मैं आपको पहले नीचे दिखा देता हूँ, क्योंकि ऊपर जब हम लगाएंगे तो क्या होता है कि ऊपर दिखाई नहीं देगा नीचे से, तो इसलिए मैं इसको आपको नीचे बता देता हूँ आपको क्या करना है। जब ये आप क्लंप लगाते हैं तो ये देख लीजिए यहाँ पे वाशर रिंग जरूर डालिए, पहले वाशर रिंग और ऊपर इसके ये नट लगा के, और इसके बाद ये जो पिन है, पिन इसके अंदर एक होल होता है नट के अंदर, इसको पिन को जरूर आप लगा लीजिए, और उसके बाद पिन को टर्न कर देना है। बस इतना सा काम है। तो ये कैसे आएगी, ये ऊपर मान लो फैन का ये कुंडा है उसके अंदर ये ऐसे फिट हो जाएगा। दोस्तों ये मैं इसलिए नीचे बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर वीडियो में ये नज़र कुछ नहीं आएगा, तो उसके बाद मैं आपको हैंग करके ही बताऊँगा। तो फ्रेंड्स फैन आप देख रहे हैं हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है, अब हम इसको ऑन करके चलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल ही स्मूथ, कोई साउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, और इसकी स्पीड देखिए बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मेरे साथ आगे भी बने रहिए ताकि मैं आपको नई नई वीडियो देता रहूँ। थैंक्स।